Hey guys, welcome back to our YouTube channel Learn Science. Of course, Learn Social Science. So, बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस यूनिट 5 चैप्टर नंबर 9 पब्लिक फैसिलिटीज. तो बच्चों होप सो कि आप लोगों ने चैप्टर 1 टू 8 देख लिया होगा. नहीं देखा तो आप लोग जल्दी से देख लीजिएगा. आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट में भी सभी चैप्टर्स के अलग अलग वीडियोज मिल जाएंगी. आप लोग वहां से देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन आंसर कम्प्लीट कर सकते हैं. तो चलिए बच्चों आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है पब्लिक फैसिलिटी, यानी किसी भी देश के गवर्नमेंट के द्वारा उस देश के नागरिकों को, उस देश के सिटीजन को जो फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करवाई जाती हैं, वो तमाम चीजें पब्लिक फैसिलिटी कहलाती हैं. तो हमारे इंडिया में बेसिकली हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में क्या पढ़ा था कि जो पब्लिक फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट यहाँ के सिटीजन को प्रोवाइड करवाती है, वो सभी के लिए होती है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म से हो, सभी के लिए इक्वली प्रोवाइड करवाई जाती है. तो चलिए सबसे पहले हमारे सामने आ जाता है एक स्टोरी बोर्ड. स्टोरी बोर्ड में जो है बेसिकली बच्चों चार अलग अलग जगह के, एक शहर के चार अलग अलग जगह के आप लोगों को व्यू दिखाए गए हैं. तो इसमें आई थिंक अम्मू एंड कुमार नाम के जो है दो बच्चे हैं. होप सो कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा. नहीं नजर आ रहा तो आप लोग के एनसीईआरटी में भी बच्चों ये फोटो से आप लोग वहां से भी देख सकते हैं. ये लोग चेन्नई के जो है, एक चेन्नई में बस से जो है पूरे चेन्नई में ट्रेवल कर रहे हैं. वहाँ ये लोग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में वाटर की अवेलेबिलिटी, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटी है, उसको ये लोग नोट डाउन कर रहे हैं कि कहाँ पर कैसी पब्लिक फैसिलिटी है. तो जैसे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट फोटो में तो यहाँ काफी अच्छी अवेलेबिलिटी है, सेकेंड फोटो में थोड़ी मुश्किल है, एंड थर्ड फोटो में जो है वो तो बिल्कुल ही बोटल्स में रखा हुआ है पानी, और फोर्थ फोटो में जो है लोग काफी परेशान होते दिखाई दे रहे हैं. तो चलिए अब इन तमाम स्टोरीज के, स्टोरी बोर्ड के पीछे की स्टोरीज को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वाटर एंड दी पीपल ऑफ चेन्नई. वाटर और चेन्नई के पीपल. चेन्नई बच्चों जो कि तमिलनाडु का जो है कैपिटल है, और ये साउदर्न इंडिया में है. तो आप लोग जानते होंगे इसका ओल्ड नेम जो है मद्रास भी था. तो इसके चेन्नई के डिफरेंट एरियाज में जहाँ के वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी फ्लो नहीं है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ हमारे इंडिया में, पूरे इंडिया में जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, वेरियस प्लेसेस में वेरियस वाटर की अवेलेबिलिटी है. कहीं पर वाटर इतना ज्यादा है कि बाढ़ आती है, जैसे बिहार है, और कहीं पर वाटर जैसे राजस्थान है वहां पर बहुत कम है, वहाँ अक्सर सूखा भी पड़ जाता है. तो चलिए अब हम लोग चेन्नई के बारे में पढ़ने वाले हैं. सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल लाइक मिस्टर रामा गोपाल लिव इन अन्ना नगर चेन्नई. दिस एरिया लुक्स लश एंड ग्रीन विद लॉन्स मेंटेन्ड बाय जेनरस स्प्रेइंग ऑफ वाटर. सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल मिस्टर रामा गोपाल जो है वो अन्ना नगर चेन्नई में रहते हैं, और जो उनका एरिया है वो काफी ग्रीन, मतलब पानी छिड़कने की वजह से काफी जेनरसली मेंटेन्ड है. ओके, बैंगलोर्स हैव टैप वाटर फॉर मेजर पार्ट ऑफ द डे. और यहाँ पर जो बैंगलोर्स हैं वहाँ पे जो है जो टैप वाटर है वो मतलब दिन के ज्यादातर मेजर पार्ट में अवेलेबल होता है. वन डे व्हेन द वाटर सप्लाई इज इनएडिक्वेट, एक दिन जबकि वाटर सप्लाई मतलब नहीं आ रही होगी वाटर सप्लाई, मिस्टर रामा गोपाल स्पीक टू अ सीनियर ऑफिशियल whom he know in the municipal water board and a water tanker is easily arranged for his house. एक दिन मतलब जब पानी की थोड़ी कमी हो गई तो मिस्टर रामा गोपाल ने जो एक सीनियर ऑफिशियल से, वो खुद एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, उन्होंने एक सीनियर ऑफिशियल से बात की जो कि म्यूनिसिपल वाटर बोर्ड में काम करते होंगे. उनसे बात की और उनके लिए, उनके घर के लिए स्पेशली एक इजीली जो है एक वाटर टैंकर अरेंज करवा दिया गया. तो ये थी पहली स्टोरी बोर्ड की स्टोरी. तो आप लोग देख सकते हैं, अब हम दूसरा व्यू पढ़ते हैं. लाइक मोस्ट ऑफ एरियाज ऑफ द सिटी, सुब्रमण्यम्स अपार्टमेंट इन मालापुर सफर्स फ्रॉम वाटर शॉर्टेज. जैसे कि चेन्नई, पूरे चेन्नई में वाटर की शॉर्टेज है, इसी तरह जो है सुब्रमण्यम का अपार्टमेंट जो कि मालापुर में है, वहां पे भी वाटर की शॉर्टेज हो रही है. दिस एरिया गेट्स म्युनिसिपल वाटर वंस इन टू डेज. और यहाँ पे जो म्युनिसिपल वाटर है वो दो दिन में एक बार आता है. अ प्राइवेट बोरवेल मीट्स सम ऑफ द रेजिडेंट्स वाटर नीड्स. एक प्राइवेट जो है बोरवेल वहाँ के रेजिडेंट्स ने जो है मिलकर लगा लिया है. बोरवेल वाटर इज हाउएवर ब्रैकिश, सो द रेजिडेंट यूज इट इन देयर टॉयलेट सेंड फॉर वॉशिंग. जो बोरवेल का वाटर है वो पीने के लायक नहीं है, सो इसलिए वहाँ के जो रेजिडेंट्स है वो उसको टॉयलेट्स में और वॉशिंग्स में, धोने धगाड़ने में, घर वर सफाई करने में यूज करते हैं. फॉर अदर यूजेस वाटर इज परचेस्ड फ्रॉम टैंकर्स. और दूसरे यूजेस के लिए, जैसे खाना पकाने के लिए, पीने के लिए, ये सारे खाना पकाने के लिए, बेसिकली पीने के लिए नहीं,
वाटर जो है टैंकर से परचेज किए जाते हैं। सुप्रा मिनियम स्पेंस अप टू 500 टू 600 पर मंथ ऑन बाइंग वाटर फ्रॉम दी टैंकर्स, और जो सुप्रा मिनियम है वो तकरीबन 500 से 600 रुपए पर मंथ टैंकर से पानी खरीदने में जो है लगाते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर रेजिडेंट्स हैव इंस्टॉल्ड वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम इन देयर होम्स, और पीने के लिए पानी के लिए जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उन्होंने अपने घर में वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम फिल्टर्स लगा रखे हैं। इट मीन्स जो पानी आता है वो पीने के लायक नहीं है। तो ये हो गई दूसरी स्टोरी, स्टोरी बोर्ड की पहली देखी आप लोगों ने, दूसरी देखी। अब हम थर्ड देखते हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वाटर की शॉर्टेज बढ़ती जा रही है। सिवा लिव्स ऑन रेंट ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ हाउस इन मादीपक्कम एंड गेट्स वाटर वंस इन 4 डेज। सिवा जो कि एक मादीपक्कम के एक हाउस में रेंट हाउस पे रहता है, फर्स्ट फ्लोर पर ही जबकि रहता है, और उसको 4 दिन में उसके यहाँ एक बार पानी आता है। शॉर्टेज ऑफ वाटर इज वन मेजर रीजन वाई सिवा कैन नॉट ब्रिंग हिज फैमिली टू चेन्नई। शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है मेजर रीजन है जिसकी वजह से शिवा जो है अपनी फैमिली को चेन्नई नहीं लेके आता। फॉर ड्रिंकिंग शिवा बाइज बॉटल वाटर, और जो पीने के लिए जो है शिवा को बॉटल वाटर खरीदने पड़ते हैं। इट मीन्स कि इतना कम पानी है कि वहां पर एक फैमिली का रहना उसको नहीं लगता कि मुमकिन है। अब फोर्थ फोटो की तरफ आ जाते हैं, जो कि एक बहुत जो हर चीज में पीछे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वाटर होती है, वो है स्लम एरियाज। पद्मा वर्क्स एज अ डोमेस्टिक हेल्प इन सैदापेट एंड लिव्स इन द नियर बाय स्लम। पद्मा जो है वो एक डोमेस्टिक हेल्प है, मतलब घरों में काम करती है, और जो है वो नियर बाय स्लम में रहती है। शी पेज अ रेंट ऑफ 650 फॉर द हटमेंट विच हैज नाइदर अ बाथरूम नॉर अ टैप कनेक्शन, और वो जो है कैसे हटमेंट यानी झोपड़पट्टी के 650 रुपए पे करती है, जिसमें ना ही कोई बाथरूम है और ना ही कोई टैप कनेक्शन है। फॉर 36 हटमेंट्स देयर इज अ कॉमन टैप एट वन कॉर्नर, और ऐसी 30 झोपड़पट्टियों के लिए एक टंकी है जो की कॉमन कॉर्नर में यानी लगी हुई सबके लिए कॉमनली यूज होती है। इन विच वाटर कम्स फॉर अ बोरवेल फॉर 20 मिनट्स ट्वाइस डेली, और जिसमें जो है पानी बोरवेल से आता है दिन में 2 बार सिर्फ 20 मिनट के लिए। इट मीन्स के बच्चों 40 मिनट के लिए पानी आता है, और कितनी फैमिली है 30। अ फैमिली गेट्स टू फिल अ मैक्सिमम ऑफ 3 बकेट्स विद इन दिस टाइम, और इससे जो है एक फैमिली को तकरीबन सिर्फ 3 बाल्टी पानी भरने की इजाजत होती है एक वक्त में। द सेम वाटर इज यूज फॉर वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग, ये वाटर जो है पीने के लिए भी और जो है धोने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इट मीन्स बच्चों इस सलम है जो कि हमारे इंडिया पर कर्स बन गया है, जहाँ पर जहाँ की तरक्की के लिए गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और इसी तरह आपको बताया जा रहा है कि जब समर्स में जो है पानी और कम हो जाता है, तो सिर्फ 1 बाल्टी लोगों को भरने के लिए इजाजत होती है, और उसके लिए भी लोगों को घंटों घंटों जो है इंतजार करना पड़ता है। तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने देखा कि इन चारों फोटोज के पीछे कितनी दर्दनाक कहानियां थी। हम लोग ने वाटर की अवेलेबिलिटी को देखा, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट की क्या राइट्स हैं, गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज हैं, और लोगों के क्या राइट्स हैं, क्या वाटर जो है एज ए फंडामेंटल राइट टू लाइफ जो है सभी सिटीजन के लिए है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, छोटी सी वीडियो थी, इंट्रोडक्शन वीडियो थी। तो चलिए, अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, समझ आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बच्चों, बैकग्राउंड में बहुत सारी नॉइज थी, सो प्लीज इग्नोर देम। एंड अगर आप हमारे चैनल लर्न साइंस पर न्यू है तो हमारे चैनल लर्न साइंस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।